दिनातीतम दुष्प्रेक्षम मुक्तम अव्ययम। देखो दुष्प्रेक्षम, उसको पकड़ने का प्रयत्न मत करो, सब छोड़ दो, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो। देखो विषय को छोड़ दिया, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को छोड़ दिया, मन में आ गए, मन के राग द्वेष को छोड़ दिया, बुद्धि में आ गए, बुद्धि को चेतना में समर्पित कर दिया, चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति हम ज्यों के त्यों। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, मुक्तम अव्ययम, इसमें कोई घटना बढ़ना नहीं है। चिंत्यम एवं, इस प्रकार से चिंतन करो, और निर्मुक्तम शाश्वतम, आप कभी भी बंधन में नहीं थे, नहीं हो, ना रहोगे। यह अपनी ही कल्पना है, क्या है मेरी अनलकी, कोई अनलकी उनलकी नहीं होता। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ो, हट जाओ इससे। इस सब का मूल कारण देहात्म भाव, निर्विधिर्मुक्तम शाश्वतम ध्रुवम अच्युतम। शाश्वत माने जो कभी भी नष्ट नहीं होता, ज्यों का त्यों। अब देखो अपने बचपन से अभी तक, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। कितने शरीर आके चले गए, हम ज्यों के त्यों, कौन मरा? शरीर भी नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरता, परमात्मा भी नहीं मरता। मृत्यु असंभव है, मृत्यु कल्पना है, मृत्यु वास्तविकता नहीं है। मरने भी नहीं देते, पहले तो जीने नहीं दे रहे, अब मरने नहीं दे रहे। जब जीना भी नहीं, ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है, माने क्या है, लाइफ इज द टाइम पास। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। विनिर्मुक्तम शाश्वतम ध्रुवम अच्युतम, यही नित्य निरंतर अपना स्वरूप है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी ना आपकी चिंतन करने की, उतना आप हल्के पुल्के हो जाओगे, दिमाग पर बोझा नहीं रहेगा। और ये सभी का सभी निचोड़ अपने हैप्पी मंत्र में आ गया है। मुझे याद ही नहीं रहता स्वामी जी, मैं क्या करूं? क्या फर्क पड़ता है, जिनको याद है उनको पूछो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो नहीं, किसी परीक्षा देनी है क्या? नहीं, ठीक है, नेवर माइंड। देखो लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है, लेकिन हमको बड़ा नहीं, लोग क्या कहेंगे, करने दो, हु केयर्स।